उसको मेरी यूं कह लीजिए कि इतना डिस्टर्ब था कि मैं आते जाते, मैं रिहाइश मेरी लारस रोड पे हाजी कैंप खड़ी थी, जी अच्छा, और वो डॉ मेडिकल कॉलेज के सामने से और रास्ता था। एसएफसी के मोटर मार्केट जाते थे, जी बिल्कुल, ये पैदल जाते जी जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पैदल आते जाते रस्ते में पड़ता था मिशन रोड पे डॉ मेडिकल डॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो मैं उसको दरवाजा पकड़ के देखता पड़ता रहता था कि ये मेडिकल कॉलेज है। बहरहाल सही। किस्मत ने यह अवली किया, अल्लाह ने जी मेरे लिए डेस्टिनी कर दिया था मैं डॉक्टर बनूं, जी बिल्कुल, तो उस डेस्टिनी के ऊपर यूं कहिए कि जब वो हुआ तो रूल बना कि इस दफा बीएससी को फोकियत नहीं होगी, अच्छा इंटर सेकेंड डिवीजन पहले लिया जाएगा, जी अच्छा सही, इंटर फर्स्ट पहले होगा, इंटर फर्स्ट डिवीजन फिर होगा बीएससी फर्स्ट डिवीजन फिर होगा इंटर सेकेंड डिवीजन फिर होगा बीएससी सेकेंड डिवीजन ये पहले होता था। जी बिल्कुल 1955 में सही, मैंने इंटर का इम्तिहान दिया जी बिल्कुल, और उसके रिजल्ट पे मेरी अच्छी सेकंड क्लास थी, फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा कम सलाम था बिल्कुल, इसलिए सेकंड सही डिवीजन हुई, सही, तो वो इस रूल की वजह से फर्स्ट डिवीजन में सिर्फ 6 लोग थे जी अच्छा, जबकि सीटें मर हम लोगों की 70 थी, 100 थी, 100 जी हंड्रेड अच्छा, होती थी सही सीटें, सही, 70 लड़कों लड़के की और 30 लड़कियों तीस की, लड़कियों की, ये 1955 की बात है सर, 1955। तो उन 70 में फर्स्ट डिवीजन 6 थी, फिर सेकंड डिवीजन का सही, नंबर आ गया, जबरदस्त तो मुझे उसमें चांस मिल गया, जबरदस्त, तो क्योंकि बिल्कुल मैं ही अकलौता अपने घर में इस तक पहुंचा था कि मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल हूँ इंटर करके, मेरे सही दूसरे बहन भाई रस्ते में इस तालीमी रस्ते में कहीं ना कहीं प्लक होते थे, सही और अब्बा ने शर्त रखी थी कि मेरे महदूद वसाइल की वजह से जो बच्चा पास होगा उसकी तालीम जारी रहेगी, जारी रहेगी, जो बच्चा फेल हो जाएगा उसकी तालीम मुकता कर दी जाएगी, फिर वो कुछ दूसरा काम करे। तो वो वसाइल को अब्बा ने डाइवर्ट कर दिया सर तो इसके बाद, जी सर इसमें फिर, उसमें फिर मुझे तो चैलेंज मिला जी था, बिल्कुल तो मैंने कुछ भी कर मैंने इसे पूरा करना, सही,